बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी गोरखपुर में उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में हुए इस रोड शो में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कें बीजेपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरी दिखी। टाउन हॉल से शुरू हुए रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। आपको बता दें कि 19 मई को सातवें चरण में 59 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए शुक्रवार को चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में पूरी ऊर्जा लगाने की कोशिश कर रही है और ये गोरखपुर की तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त गोरखपुर में एक रोड शो कर रहे हैं। रवि किशन बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहां गोरखपुर में एक बड़ा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी इस बार गोरखपुर में पूरा अपना स्टेक मांगती है। अमित भाई शाह हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती गोरखपुर इस बार है, क्योंकि 2018 में आपको यहाँ पे हार मिली, उसके बाद आपने रवि किशन को यहाँ उतारा है। अभी चुनौती नहीं है, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा यहाँ से जीतने गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, आप छह फेज के इलेक्शन हो चुके हैं, सातवां फेज होने वाला परसों, कैसे देखते हैं? और जो आपने दावा किया था 74+, अभी भी इस पर कायम है क्या? जी, अभी भी हम हमारी स्थिति में सुधार करेंगे और मोदी जी गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री। सर, जिस तरह से गठबंधन बहुत हावी हो रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, खासकर बहन मायावती जिस तरह की पर्सनल अटैक कर रही है, सिर्फ मीडिया में हावी है, जनता में नहीं। मायावती जिस तरह इस्तेमाल कर रही है, भाषा का इस्तेमाल कर रही है, बहन जी जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रही है, मैं इस पर टिप्पणी करूंगा। ये है अमित शाह का कहना है कि गठबंधन ज्यादा मजबूत नहीं है। जिस तरह से गोरखपुर में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जो 74+ का दावा था बीजेपी का, आज भी उस दावे पर कायम है। कैमरामैन जयपाध्याय के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, गोरखपुर।